एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल केमिस्ट्री सॉल्यूशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हंसडीकर रिएक्शन के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो हम सबसे पहले तो रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, हंसडीकर रिएक्शन की जनरल रिएक्शन, और उसके बाद में हम इसका डिटेल में मैकेनिज्म समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर रिएक्शन में किस तरह से रिएक्शन यहाँ पर परफॉर्म हो रही, देखिए C6H5 C डबल बॉन्ड O O Ag। तो इस कंपाउंड का नाम रहेगा सिल्वर सॉल्ट ऑफ ए बेंजोइक एसिड, ये है सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। इसकी रिएक्शन होती है मॉलिक्यूलर ब्रोमीन के साथ यानी कि Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ए सॉल्वेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड, एंड थोड़ी सी हीट को भी लगे एंड रिएक्शन को थोड़ी सी हीट भी लगेगी। और जो मेन प्रोडक्ट रहेगा वो रहेगा ये देखिए यहाँ पर मेन प्रोडक्ट बन गया है, CO2 गैस यहाँ से रिमूव होगी, साथ ही साथ AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये रहेगा ब्रोमो बेंजीन, देखिए यहाँ पर लिख देती हूँ। सो देखिए हंसडीकर रिएक्शन की मेन रिएक्शन तो हमने यहाँ पर लिख दी है, जहाँ पर सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिकुलर ब्रोमीन के साथ रिएक्ट होकर यहाँ पर ब्रोमो बेंजीन फॉर्म करता है। मतलब ये जो बेसिकली हंसडीकर रिएक्शन है, यहाँ पर अल्किल हैलाइड की सिंथेसिस ही होती है, यानी कि यहाँ पर मैंने जैसे कि अरील हैलाइड भी सिंथेसाइज कर लिया, तो सिमिलरली आप अल्किल हैलाइड भी यहाँ पर CH3 यानी कि अल्किल ग्रुप को रिप्लेसमेंट ही कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा हंसडीकर रिएक्शन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेथड यूजफुल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ए अल्किल हैलाइड। तो यहाँ पर हमने अरील हैलाइड तैयार कर लिया है, तो अभी इसका डिटेल में हम मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। सो देखिए मेन इंपॉर्टेंट थिंग मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, हंसडीकर रिएक्शन में जो मैकेनिज्म फॉलो होगा वो होगा फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, मतलब रिएक्शन में फ्री रेडिकल फॉर्म होंगे। तो फ्री रेडिकल्स क्या होंगे, देखिए अगर एक स्पेसिस सिंगल इलेक्ट्रॉन कैरी करती है, अ स्पेसिस कैरी ए सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो उस स्पेसिस को हम बोलेंगे फ्री रेडिकल्स। तो फर्स्ट स्टेप देखेंगे अभी हम यहाँ पर, फर्स्ट स्टेप में हम एज इट इज़ ले लेंगे वो कंपाउंड जो कि हमने ऊपर में भी लिया है, वो है सिल्वर सॉल्ट ऑफ ए बेंजोइक एसिड, देखिए यहाँ पर हमने ले लिया। इसकी रिएक्शन होगी मॉलिकुलर ब्रोमीन के साथ, देखिए यहाँ पर Br2 है यानी कि मॉलिकुलर ब्रोमीन है, तो यहाँ पर कंपाउंड फॉर्म होगा वो किस तरह से रहेगा, देखिए ओ Br2, देखिए यहाँ पर इस तरह का कंपाउंड फॉर्म हो गया है। तो अभी हम सेकेंड स्टेप डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म की। तो देखिए सेकेंड स्टेप में जो ऊपर में कंपाउंड यहाँ पर सिंथेसिस हो गया है फर्स्ट स्टेप में, वो हम यहाँ पर एज इट इज सेकेंड स्टेप में ले लेंगे। तो सेकेंड स्टेप क्या रहेंगी, जो फर्स्ट स्टेप में कंपाउंड सिंथेसाइज हो गया है वो सेकेंड स्टेप में एज इट इज़ ले लेकर हम यहाँ पर रेडिकल फॉर्म करेंगे। बेसिकली मैंने पहले ही बता दिया था कि हंसडीकर रिएक्शन में रेडिकल फॉर्म होते हैं, तो रेडिकल किस तरह से फॉर्म होंगे, देखिए यहाँ पर एक बॉन्ड है, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर, यानी कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रॉन का, C6H5 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ओ के ऊपर एक रेडिकल, रेडिकल इस तरह से शो करती है, देखिए ऑक्सीजन के ऊपर एक मैंने यहाँ पर पॉइंट या फिर एक डॉट दिया है, तो ये रेडिकल शो करने की टेक्निक होती है जहाँ पर रेडिकल इस तरह से शो किए जाते हैं, और ब्रोमीन के ऊपर भी एक रेडिकल आ जाए। अब हम स्टेप 3 डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म की। अभी हम हंसडीकर रिएक्शन की थर्ड स्टेप डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो इंटरमीडिएट बन चुका था स्टेप 2 में यानी कि रेडिकल फॉर्म हो गया था, ये हम एज इट इज़ थर्ड स्टेप में ले लेंगे। देखिए एज इज इट इज़ हम ये रेडिकल थर्ड स्टेप में ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है, तो देखिए यहाँ पर हमने कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर दिया, दिख रहे हैं आप CO2, तो ये रेडिकल जो ऑक्सीजन के ऊपर था ये रेडिकल इस पूरे बेंजीन ग्रुप के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम इस तरह से डोनेट करते हैं, ये रेडिकल यहाँ पर शिफ्ट हो गया था। अभी फोर्थ और लास्ट इंपॉर्टेंट हम स्टेप डिस्कस करेंगे हंसडीकर रिएक्शन की, जहाँ पर प्रोडक्ट फाइनली फॉर्म होगा हमारा। तो अभी हम मैकेनिज्म की फाइनल स्टेप डिस्कस करेंगे। देखिए जो थर्ड स्टेप में रेडिकल फॉर्म हो गया था यानी कि बेंजीन रेडिकल, देखिए आप फिनील रेडिकल C6H5, ये पूरा फिनिल ग्रुप है, यहाँ पर एक रेडिकल फॉर्म हो गया था एज इट इज़ हम लेंगे। सिमिलरली जो कंपाउंड हमने फर्स्ट स्टेप में सिंथेसाइज कर लिया था, देखिए हंसडीकर रिएक्शन में क्या होता है, जो कि हमने फर्स्ट स्टेप में जो कंपाउंड सिंथेसाइज कर लिया था वो हम यहाँ पर भी एज इट इज इसके साथ कंबाइन कर लेंगे। तो अभी ले लेंगे हमें अभी यहाँ पर C6H5 C डबल बॉन्ड O Br, देखिए फर्स्ट स्टेप में जो कंपाउंड था हमने यहाँ पर एज इट इज ले लिया है, तो अभी यहाँ पर ब्रोमो बेंजीन की सिंथेसिस हो जाएगी। देखिए यहाँ पर ब्रोमो बेंजीन की सिंथेसिस हो गई है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ फाइनल प्रोडक्ट का नाम, ब्रोमो बेंजीन
साथ ही साथ जो बाय प्रोडक्ट रहेगा वो रहेगा C6H5C OH, यहाँ पर O निगेटिव। देखिए यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ गया है, यानी कि इस तरह का यहाँ पर यहाँ पर रेडिकल आ जाएगा। देखिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इस C6H5 के ऊपर रेडिकल था, तो वो रेडिकल यहाँ पर इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर मिस्टेक हो गई, इस ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर रेडिकल आकर ये यहाँ से बाय प्रोडक्ट होगा और रिएक्शन फिर से कैरीड आउट होंगी सेम प्रोसीजर के थ्रू। बेसिकली ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है जो कि हंसडीकर रिएक्शन में फॉलो हुआ है। बेसिकली हंसडीकर रिएक्शन में जो प्रोडक्ट रहेगा वो रहेगा एरोमेटिक हैलाइड। तो बेसिकली आप अल्किल हैलाइड भी बना सकते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये फाउंड हुआ है कि अल्किल हैलाइड जो होता है वो बहुत कम यील्ड में होता है। तो यहाँ पर हमने एरोमेटिक एरोमेटिक हैलाइड आपको बनाकर फाइनली दिखा दिया है। तो ये है हंसडीकर रिएक्शन। आई होप मेरा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आ गया होगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक करिए, साथ ही साथ मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।